हेलो क्लासिक, देखिए बेटा चैप्टर थ्री हमने फिनिश कर लिया। चैप्टर थ्री फिनिश्ड, अब नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं, है ना, जिसमें हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल्स, और उसमें भी दो सबसेट है, या आप ये कह लीजिए दो टाइप का पढ़ेंगे। उस मटेरियल में दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, क्या क्या, मेटल और नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, कैसे होता है, मेटल में कैसे किसको मेटल बोलेंगे, किसको नॉन मेटल बोलेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की किस नॉन मेटल की क्या होती है, मेटल कहाँ यूज़ होता है, नॉन मेटल कहाँ यूज़ होता है ना, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए, लाइन बाय लाइन में बताऊँगा। अगर कोई डाउट, और अच्छा हाँ, जो होमवर्क देता हूँ उसको प्लीज़ आप रिप्लाई किया करिए, और फिर लाइन बाय लाइन फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। यू आर फैमिलियर विद नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा। ये नाम तो सुना ही होगा आपने, आयरन क्या है, मतलब आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। कुछ मेटेरियल यहाँ दिए गए हैं, देखो, आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये पाँच है, ठीक है, पाँच दिया हुआ है। अब इनका आपको बताना है, आपको इसको आप गूगल करके मुझे बताइए क्या होगा। अपीयरेंस मतलब शाइनी है या डल है, कैसे दिखते हैं, चमकते हैं या डल से दिखते हैं, ये आपको बताना है पांचों का। हार्डनेस, हार्डनेस आप गूगल करोगे, क्योंकि आप उसको टेस्ट करके तो देख नहीं सकते, क्योंकि कुछ इसमें होगा आपके घर में, कुछ नहीं होगा, तो यू कैन गूगल डायरेक्टली, बहुत हार्ड है या बहुत हार्ड नहीं है, नॉट वेरी हार्ड, हाँ ये लिखना है इसमें। तो इस, अब ये इस एक्टिविटी का मतलब क्या है, इस टेबल को बताने का मतलब क्या है, मतलब चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ, नाम चार पांच बताया गया आपको और उसके बाद तुरंत एक टेबल दे दिया गया। ये टेबल इसलिए दे दिया गया है क्योंकि अलग अलग ये जो दिए गए हैं मटेरियल, इनकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस, ये प्रॉपर्टीज़ दो हो गई और कुछ और प्रॉपर्टीज नीचे हम देखेंगे, इन्हीं के बेसिस पे हम मटेरियल को मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड करते हैं, कि कौन मेटल होगा कौन नॉन मेटल होगा, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही हम डिस्टिंग्विश करेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न, हाँ। अब आगे देखिए, पढ़ते चलते हैं। कैन यू नेम द मेटेरियल्स विच आर मेटल्स, देखिए आ गया ना, कि नेम कर सकते हैं कि जो द रेस्ट ऑफ द मेटल इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। अब अगर आप मेटल की प्रॉपर्टी कुछ जानते हैं, इसमें कुछ बता सकते हैं कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, तो अगर आप मेटल बता ले गए तो जो बच्चा उसमें से सारे इसमें क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, ठीक है ना। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वही मैंने डिस्कस किया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं इधर फिजिकल और केमिकल, उन्हीं बेसिस पे उसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। रिकॉल द लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, ये लस्टर और हार्डनेस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, ये जो ऊपर दिया हुआ है लस्टर ये हुआ और हार्डनेस ये हुआ, तो ये क्या है, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मेटल या नॉन मेटल, या मेटल नॉन मेटल अभी छोड़िए, एनी मैटर, लस्टर एंड हार्डनेस इज द आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मटेरियल। अब मेटल है कि नॉन मेटल है उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी हम ये कहेंगे कि लस्टर और हार्डनेस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आ गया। अगला क्या है, हमने बताया कि मेटल और नॉन मेटल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज वी डिस्टिंग्विश, ओके। तो अब कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है उनकी प्रॉपर्टी पे के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो अब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना भी हमारी जिम्मेदारी है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ते हैं। देखिए, हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, शॉवल एंड एक्स, देखा होगा आपने ब्लैक स्मिथ कभी कभी पीटता है उसके यहाँ उसको, है ना। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग, देखा होगा आपने जब उसको वो बीट करता है तो उसके शेप में कुछ ना कुछ चेंज आता है कि नहीं आता है, आता है, ठीक है ना। वुड यू एक्सपेक्ट, सी, वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चीज इफ यू चेंज इफ यू ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल, नो, जो बीट करने पे लोहे पे जो बीट करने पे उसके शेप में चेंज आएगा वो कोल में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जैसे मान लो इतना बड़ा लोहा का कुछ है मटेरियल, इसको जब हम बीट करेंगे तो मान लो ये यहाँ से कन्वर्ट हो गया थोड़ा और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर कोल को हम बीट करना शुरू करें तो इट विल ब्रेक, ये टूट, अगर मतलब कोल दूसरा लेते हैं, कोयला लेते हैं, कोल लेते हैं, इसको अगर बीट करेंगे तो हम क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो इस बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल को, कि जो मतलब जिसको मतलब
पीटने पे या ब्लैक स्मिथ जब पीटता है तो इसमें अगर शेप में चेंजिंग हो रहा है, कोई ब्रेकिंग नहीं हो रहा है, केवल शेप में चेंज हो रहा है, टूट नहीं रहा हो, केवल बड़ा होता चला जा रहा है, तो उसको मेटल बोलेंगे। और जो नहीं टूट रहा है, सॉरी, जो टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, उसको नॉन मेटल या कोई और मटेरियल बोलेंगे। ठीक है ना, इस बेसिस पे भी तो एक और प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, इस बेसिस पे भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल को। ठीक है ना, अब एक्टिविटी 4.1 देखते हैं क्या है। देखो उसी ब्रेकिंग वाले पे ही है, देखिए, टेक ए स्मॉल आयरन नेल, आयरन लेना है, ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लेड, ये चार चीज़ें आपको लेनी है। बीट द आयरन नेल विद ए हैमर, हैमर से पीटना है आयरन नेल को, बट टेक केयर, अच्छा अपना केयर रखिए भाई, है ना, ट्राई टू हिट हार्ड, तेज़ी से पीटने का प्रयास करें उसको, हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर आल्सो, एल्यूमिनियम वायर को भी उसी तरह पीटेंगे, मतलब हैमरिंग करेंगे उसकी। दो चीज़ें हमने किया, एक आयरन हो गया, दूसरा एल्यूमिनियम हो गया। अब अगला क्या, देखो, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस, कोल पीस को भी करेंगे एंड पेंसिल लेड, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 4.2, एक टेबल दिया उसमें क्या होगा। देखो ये चार चीज़ें हैं, आयरन नेल और एल्युमिनियम वायर, ये दोनों चीज़ें अपने शेप में चेंज करेंगी, शेप चेंज होगा मतलब ब्रेक नहीं होगा, आयरन नेल और एल्युमिनियम वायर अपने शेप में चेंज करेंगी, इसलिए ये मेटल हैं, और कोल पीस और पेंसिल लेड ये ब्रेक हो जाएंगे जब हैमरिंग हम करेंगे, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट मेटल। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो मेटल हैं, सॉरी वो नॉन मेटल है, अभी हम ये कह रहे हैं कि दे आर नॉट मेटल। तो अब मेटल हैं कि नॉन मेटल हैं, ये यहाँ से हम प्रॉपर्टी, इस हैमरिंग वाली प्रॉपर्टी से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कि या ये भी कह सकते हैं कि मेटल है या कोई और मटेरियल है। ठीक है ना, आगे देखिए, अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यू सॉ दैट, एक सेकेंड, यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन द बीटिंग, शेप चेंज होगा एल्यूमिनियम और आयरन का, मैंने बताया अभी, इफ दे वेयर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इन टू सीट्स, अब उनको और हम पीटना शुरू करेंगे आयरन और एल्यूमिनियम को, तो वो सीट चद्दर में कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत लंबी लंबी चद्दर में, है ना, इन टू सीट्स। यू माइट बी फेमिलियर विद द सिल्वर फॉयल यूज फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट्स, मिठाइयों पर होता है ना सिल्वर, देखो कितनी पतली पतली, वो मेटल ही होता है लेकिन उनको कन्वर्ट कर दिया था सीट्स में, बहुत पत्ती पत्ती चद्दर में, है ना, वो सिल्वर ही होता है। ठीक है ना, यू मस्ट ऑल्सो भी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड, खाना पैक करने में जो यूज़ होता है वो एल्यूमिनियम का है, लेकिन देखिए कितना पतला हो गया, वो हैमरिंग करके या उसको मतलब पीट करके उसको चद्दर में कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे यहाँ एक सिल्वर वाला हो गया, या एक एग्जांपल सिल्वर फॉयल और एल्यूमिनियम फॉयल, सिल्वर फॉयल हम मिठाइयों पे यूज़ करते हैं ऊपर जो चमकता है उस तरह का, और खाना को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल। तो दीज आर द मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी जो उसको एबल बनाती है कि एक छोटा सा मेटल, इसको ये छोटा सा इतना बड़ा मेटल कोई है, एक है, एक कोई छोटा सा मेटल है इतना बड़ा, इसको हम पीट पीट के चद्दर में इतने बड़े में कन्वर्ट कर दें, तो इस मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा ये सीड्स में कन्वर्ट हो जा रहा है ईजिली, इस प्रॉपर्टी को उस मेटल की मैलिएबिलिटी कहते हैं, कि कितनी मैलिएबिलिटी है, जितनी ज़्यादा मैलिएबिलिटी होगी उतना ज़्यादा वो सीड्स में कन्वर्ट होने के लिए एबल होगा। दिस इज़ दिस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है ना, एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, वही जो हमने बताया ना, आयरन और एल्यूमिनियम तो दे देंगे चद्दर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन कोल और पेंसिल लेड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। कैन वी कॉल दीज मेटल्स, नो, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो वो मेटल नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक करिए, अब आज चैप्टर की शुरुआत है, यहाँ से करिए, यहाँ तक करिए, फिर हम इसको आगे उसी वहीं से कंटिन्यू करके फिर आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।